नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और आटे से स्वादिष्ट बर्फी। और उससे पहले मैं आप सभी को देना चाहती हूँ दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली सभी को मुबारक हो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, ये गाय का घी है। फ्लेम यहाँ पर मीडियम है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप आटा, गेहूं का आटा है ये। हमने आटे को भूनना है तो मीडियम फ्लेम पर ही आटे को हम भूनेंगे। फ्लेम को तेज मत कीजिएगा, नहीं तो आटा जल जाएगा। जो सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है आटा भूनने पर, तो वो मीडियम फ्लेम पर ही ज़्यादा अच्छा भूनता है। तो मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे आपने भूनना है। तो 4-5 मिनट लगेंगे आपको आटा भूनने में। बस इसमें आटा भूनने की ही मेहनत है, बाकी आगे बहुत ही इजी है। अब देखिए आटे का कलर चेंज हो गया है और आटा हमारा भून के तैयार है। 3-4 मिनट लगे हैं मुझे आटा भूनने में। अब आटे को मैंने प्लेट में निकाल देना है ठंडा होने के लिए। अब वही कढ़ाई मैंने रखी है, अभी मैंने गैस नहीं जलाई है, और उसमें डाला है गुड़। ये 150 ग्राम गुड़ है और थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस 2 टेबलस्पून थोड़ा सा डालना है बस, क्योंकि गुड़ मेल्ट होने के बाद वो भी थोड़ा लिक्विड हो जाता है। तो हल्का सा पानी डालेंगे और गैस जला देंगे। और हमने बस इसको इतना करना है कि गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, केवल मेल्ट करना है। तो देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है लगभग। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। ये काजू और बादाम है, इनको मैंने दड़दड़ा पीसा है। अब इनको मिक्स करके और मैं गैस को बंद कर दूंगी। बस गुड़ हमारा मेल्ट हो गया। बस ये स्टेप आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि गुड़ को केवल मेल्ट करना है, गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो बर्फी बहुत हार्ड हो जाएगी। गैस मैंने बंद कर दी और गुड़ हमारा हल्का सा ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो आटा हमने सेका था, वो आटा इसमें हम डाल देंगे। गैस नहीं बंद कर रखिए, ये ध्यान रखिएगा गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। बार बार ये बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप गुड़ की चाशनी बना दोगे तो बर्फी बहुत हार्ड हो जाएगी। तो बस केवल गुड़ को मेल्ट करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से, क्योंकि जो गुड़ है मेल्ट किया हुआ है, हल्का गर्म है, तो उसी में हम आटे को मिला लेंगे। गैस बंद है यहाँ पर। बार बार मुझे इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप आसानी से परफेक्ट बना सकें। अभी देखिए गुड़ मेल्टेड गुड़ था, तो इसमें घी भी छोड़ दिया है थोड़ा सा आटे ने। अब जिस प्लेट में हमने बर्फी जमानी है उसको हमने चिकना कर लिया है। और अब हम इसमें हमारा जो आटे और गुड़ का मिक्सचर है उसको हम डाल देंगे। विंटर के लिए ये बेस्ट है, खाने में स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। और गाय का घी मैंने डाला है, गाय का घी हेल्दी होता है, खाना चाहिए थोड़ा बहुत सभी को। गाय का घी, गाय के घी से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो बच्चों को तो ये जरूर खिलाना चाहिए। अब ऊपर से मैं काजू और बादाम जो मैंने दरदरा पीसा था वो डाल दूंगी ऊपर से। छोटे बच्चों को तो दाल में सब्जी में घी डाल डाल के खिलाते हैं ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें, पर घी गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है, गाय का ही खिलाना चाहिए। गाय का घी फैटी नहीं होता, भैंस का घी है वो फैटी होता है, उससे बच्चे मोटे हो जाते हैं, गाय के घी से नहीं होते।
अब मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था उसको अलग से काट दिया है ताकि ये चौकोर शेप में आपको दिखा सकूँ इसकी। तो 10 मिनट बाद ही मैंने इसको काट लिया है, 10 मिनट लगेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही रखना है आपको। बस आटे की बर्फी बनाते हुए एक ही ध्यान रखना है आपको कि आपने गुड़ की चाशनी नहीं बनने देनी है। ये देखिए इस तरह से 10 मिनट में ही जम जाती है, ये रूम टेम्परेचर पे जम जाएगी आराम से, खुली हवा में रख देंगे आप। ये देखिए इनको पीसेस में काट के रख लीजिए। तो आटे और गुड़ की बर्फी हमारी बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।